अब हम आपको पोंछ कर साफ नरम मुलायम कपड़े से साफ करेंगे, फिर माँ के पास चलेंगे ताकि माँ आपको गर्म रख सके, दूध पिला सके। उससे मुन्नी को सर्दी जुकाम नहीं लगेगी, बुखार नहीं लगेगा। नहीं हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं 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 बेटा। बच्चों को शुरुआती दिनों में उसके माता पिता या नानी दादी का गर्माहट मिलना बहुत जरूरी है। ये न केवल शिशु को ठंड से बचाता है, ये शिशु के माता पिता और उसके परिवार से रिश्ता भी बनाता है। बच्चों को अच्छी तरह से माँ या परिवार के किसी सदस्य की छाती से लगाकर बीच में रखा जाता है। इससे माँ या परिवार के किसी सदस्य और बच्चे के बीच में शरीर से शरीर का संपर्क होता है। आप जितनी देर चाहें बैठकर या लेटकर बच्चे को गर्माहट दे सकते हैं। देख रही हो ना मुन्नी, आपके पापा को आपका अच्छे से ख्याल रखना गया है ना। बच्चे को छाती से सटाकर ऊपर से कपड़ा लपेट कर अपने शरीर की गर्मी दी जा सकती है। माँ अगर चाहे तो ऐसे ही बैठकर या लेटकर बच्चे को स्तनपान भी करा सकती है। चलिए 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 चलिए, देखो देखो कौन है, माँ के पास जाएगी बिटुआ, माँ के गोद में खेलेगी। सिर ढको। और दीदी कैसी हो? नमस्ते भैया। सोचे हम कि मुन्नी से आके मिल लेते हैं कि कैसी है कि नहीं। बिल्कुल सही समय पर आई हो, बैठो ना। हाँ हाँ। अले अले मुन्नी, कैसी है मुन्नी? नहा धो के तैयार है आज कुमारी? जी हाँ, क्योंकि 4 दिनों के बाद नहाई है मेरी बिटिया, है ना बेटा? क्यों, रोज नहीं नहलाते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने हम लोगों को सलाह दिया है। अच्छा। कि बच्चों को 2-4 दिनों के अंतराल पर ही नहलाना चाहिए। इससे बच्ची को सर्दी खांसी नहीं होगी और इसे बुखार भी नहीं लगेगा। अच्छा। हम लोग तो बिटिया के जन्म के समय भी 2 दिन के बाद नहलाए थे, है ना प्रतिमा? और अभी भी हम लोग 2-4 दिनों के अंतराल पर ही नहलाते हैं। हाँ, ये है कि रोज साफ सूती कपड़े से इसके शरीर को अच्छी तरह से पोंछ देना होता है, इससे बिटिया स्वस्थ रहेगी। अगर बच्चे में जन्म के समय वजन कम हो तो उसे जन्म के 1 सप्ताह तक पानी से बिल्कुल नहीं नहलाना चाहिए। उसे साफ कपड़े से पोंछकर, नरम मुलायम कपड़े पहनाकर और कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। हाँ भैया, आप सही कहते हैं, हम भी याद रखेंगे। बिल्कुल याद रखना, अपनी दीदी के साथ बात करो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए ना। क्यों? अरे दीदी बोलिए ना। कभी मेरे हाथ की भी चाय पी लिया करो, अच्छी लगेगी, है ना? और दीदी, बच्चे को लेकर कब तक बैठे रहोगे? इसको सुला दो, घर का काम कैसे कर पाओगी? मुन्नी के आने के बाद सब कुछ बदल गया है कुसुम। एक बच्चा माँ के जीवन में नई जिंदगी लाता है, इसलिए इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है ना। और तुझे पता है, इसका ख्याल रखने के लिए इनका, माँ जी का, सबका हाथ बटाना बेहद जरूरी है, है ना? चाय पियो। एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया कुसुम, चूल्हे से निकला हुआ धुआं मुन्नी को सांस लेने में तकलीफ दे सकती है, इसलिए मुन्नी को हमेशा चूल्हे के धुएं से दूर रखना। आपको दीदी का और मुन्नी का ऐसे ख्याल रखते देख बहुत अच्छा लग रहा है। लाइए
देखे हम भी मुन्नी। अरे पहले हाथ धो कर आ कुसुम। हाथ? हाँ, साबुन से हाथ धो लो। बच्चों को छूने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। जाओ। ठीक है। लाइए दीदी, अब तो हम हाथ भी धोकर आ गए हैं। एक बात तो है भैया कि हमारी मुन्नी एकदम स्वस्थ रहेगी। जिसके माता पिता हर एक चीज का ख्याल रखते हो, वो बच्ची भला कैसे बीमार पड़ सकती है। सुनिए, देखिए जरा मुन्नी क्यों रो रही है। हाँ, हम यही हैं, मुन्नी के ही पास हैं। मुन्नी को हल्का बुखार है क्या? बुखार? क्यों आते हैं? जरा सा बुखार तो है ना? डॉक्टर साहब बोले थे ना कि मुन्नी को बुखार या खांसी होने पे एक बार डॉक्टर साहब से दिखवा लेना चाहिए। तो चलिए मुन्नी को भी दिखवा लेते हैं। और यही सही समय भी है, डॉक्टर साहब अभी मिल भी जाएंगे। हाँ, है ना? एक काम करो, बिटिया का सिर अच्छे से ढकिए, ठीक है? मैं जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड ले लेता हूँ, है ना? वो भी तो जरूरी है। नहीं बेटा, चुप हो जाओ, नानी घर चलेंगे। नमस्ते डॉक्टर साहब। कैसी है मुन्नी? देखिए ना डॉक्टर साहब, मुन्नी को हल्का सा बुखार है। जरा जच्चा बच्चा सुरक्षा काट दीजिए। कहीं से ठंड तो नहीं लग गई? चुप हो जा। पर बच्ची माँ का दूध तो पी रही है ना? जी। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मुन्नी को बीमार क्यों पड़ गई? देखिए, मुन्नी को हल्का सा जुकाम हो गया है, जिसकी वजह से उसे बुखार आ रहा है। अच्छा हुआ आप दोनों इसे यहाँ ले आए। आप लोग मुन्नी का इतना ख्याल रखते हैं, तभी तो ये इतना स्वस्थ रहती है ना? जी। देखो सुनो, बदलते मौसम में या सिर ढक कर नहीं रखने से बच्चों को ठंड लग जाती है, सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, और इससे निमोनिया हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या मुन्नी को निमोनिया हो गया? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा, मुन्नी को साधारण सा जुकाम है, जिसकी वजह से उसे बुखार है। साधारण सर्दी खांसी जुकाम होने पर भी निमोनिया का जांच करा लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और हर माँ बाप को भी निमोनिया के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, तो बताइए ना, निमोनिया का पता कैसे चलता है? हाँ डॉक्टर साहब, मतलब निमोनिया के लक्षण क्या हैं? बुखार, सर्दी या जुकाम के अलावा, अगर कभी तुम्हें लगे कि मुन्नी तेज गति से सांस ले रही हो, वो हांफ रही हो, उसकी छाती से घरघराहट जैसी आवाज़ निकल रही हो, वो नाक के जगह मुँह से सांस ले रही है, दूध नहीं पी पा रही है, या फिर उसकी पसली चलने लगे, दिल की धड़कन तेज हो जाए, बेहोशी की हालत में हो, या सुस्त पड़ी हो, तो बिना देर किए पास के हॉस्पिटल में जल्दी से ले जाकर डॉक्टर को दिखलाएं, नहीं तो मुन्नी की जान को खतरा हो सकता है। अच्छा हुआ डॉक्टर साहब कि हमें निमोनिया के लक्षण का पता चल गया। अब हम अपनी मुन्नी का पूरा ध्यान रखेंगे।
निमोनिया से बचाव के लिए मुन्नी का टीकाकरण अवश्य करवाएं। पहला टीका 1.5 माह पर, दूसरा टीका 3.5 माह पर और तीसरा टीका याद रहे 9 माह पर। ये टीके 5 साल तक के सभी बच्चों को लगवाए जाते हैं, जिससे निमोनिया होने की संभावना कम हो जाती। जी डॉक्टर साहब, हम आज ही पता करके सही समय पर अपनी मुन्नी का टीकाकरण करवाएंगे, जिससे निमोनिया जैसे जानलेवा बीमारी से हमारी मुन्नी की सुरक्षा हो सके, है ना मुन्नी? निमोनिया होने पर अगर आपको लगे कि आपका बच्चा ठीक हो गया है, तब भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में डॉक्टर द्वारा दी गई दवाई की खुराक जरूर पूरी करें और बच्चे की जांच डॉक्टर के पास ले जाकर दोबारा जरूर कराएं, ताकि निमोनिया वापस ना आ पाए। हमने तो अपने बच्चे की निमोनिया से बचने की पूरी तैयारी कर ली है। सबसे पहले निमोनिया के लक्षण को पहचान लें और इसका पता लगने पे तुरंत बिना देर किए हुए किसी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से जरूर दिखवाएं। और तीसरा, निमोनिया के 3 टीके लगवाना कभी मत भूलें। धन्यवाद।